नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज़। मैं पूजा। खबर महोबन से है, जहां एक अज्ञात महिला बेहोशी के हालत में गोलाइदा बराबर मिली, जिसकी सूचना अल्पसंख्यक कांग्रेस अध्यक्ष अनु खान के द्वारा थाना प्रभारी महोबन श्वेता मौर्य को दी गई, जिसके बाद थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे और गंभीर हालत में महिला को महोबन सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया है। वहीं लोगों की माने तो ये अज्ञात महिला गोलाइंदाबरा में दो दिनों से लावारिस पड़ी थी, जिस पर आसपास के लोगों ने ध्यान नहीं दिया था। इसकी सूचना जब अल्पसंख्यक कांग्रेस अध्यक्ष को मिली तो पुलिस के सहयोग से महिला को अस्पताल में भर्ती कराए हैं। हालांकि महिला की पहचान नहीं हो पाई है, जिसका महोबन स्वास्थ्य केंद्र में उपचार चल रहा है। चलो क्या, दो आदमी बैठ जाओ, आ जाओ लड़को, बैठ जाओ, शांत नहीं ना होगा, चलो आप सेवा में कोई दिक्कत नहीं, मदद करें, सब के साथ होगा, ऐसे पकड़े, हाँ हाँ ठीक है, गंदगी हो इसी थोड़ा सा बचाओ यार, अरे हो जाए, हो जाए, आप पाए ऐसे समय, चलो। टीआई महोदया हैं श्वेता मौर्य जी, मैं उनसे बात किया और उनको तत्काल इस संबंध में उनको जानकारी दी, तो और इसके बाद मैंने अपने जो साथी हैं उनको बताया, तो वो चद्दर उद्दर लेके पहुँचे वहाँ पे, और मैडम भी 15-20 मिनट बाद पहुँच गई और उनको तत्काल लदवा के अस्पताल पहुँचाया गया, जहाँ पे डॉक्टर गहरवार जी, डॉक्टर एच डी कोल और सारी टीम ने उनका ट्रीटमेंट किया और अभी वो जीवित हालत में आज सूचना मिली है कि हैं, लेकिन अभी ये नहीं पता चला है कि ये किसके यहाँ की हैं, इनके परिजन कौन हैं, अभी तक इसका जानकारी अभी नहीं मिला है, नहीं मिला, पुलिस पूछताछ कर रही है। प्रशासन का सहयोग मिला इस मामले में? हाँ, लेकिन सहयोग मिला जब हमने उनसे संपर्क किया तब, लेकिन दो दिन तक कहीं ना कहीं अगर वो लावारिस हालत में इस ठंड के मौसम में पड़ी रही तो कहीं ना कहीं लापरवाही भी मैं मानूंगा। लापरवाही तो पब्लिक भी मानी जाएगी, उन लोगों को देना। पब्लिक ने मुझे तो बताया कि उन्होंने 100 नंबर को फ़ोन लगाया था, लेकिन क्योंकि वो भी एक वीरान जगह है, वीरान जगह में पड़ी, तो हम तो वीरान भी नहीं कहेंगे एक्चुअली, हाँ जनता की भी कुछ गलतियाँ हैं, इसलिए कि रोड जस्ट बरहट्टा रोड काफ़ी व्यस्तम रोड है और बगल में मजार है, वहाँ भी काफ़ी लोग आते जाते रहे होंगे और काफ़ी लोग ने देखा भी होगा, लेकिन नहीं, जैसे मैं नहीं, जब आपने सूचना दिया तो फिर प्रशासन हरकत में आया उस ढंग से। हाँ, प्रशासन हरकत में आया और तुरंत कार्रवाई हुई और महिला को पुलिस के वाहन पर, 100 नंबर वाहन भी नहीं पहुंच पाया था तो पुलिस के वाहन से उसको पहुंचाया गया। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए विराट 24 न्यूज़। नमस्कार। खुल गया, खुल गया, मारुति इंटीरियर एंड कंसल्टेंट प्रतिष्ठान खुल गया। जी हाँ, आपके शहर रीवा में मारुति इंटीरियर एंड कंसल्टेंट GS 108 आशीर्वाद प्लाजा ढेकहा में खुल गया। हम सिर्फ घर नहीं बनाते, हम बनाते हैं आपके सपनों का घर। कंप्लीट फर्नीचर, मॉड्यूलर किचन, फॉल सीलिंग, वॉलपेपर, 3D डिजाइन की सेवाएं उपलब्ध। एक बार सेवा का अवसर जरूर प्रदान करें। मारुति इंटीरियर एंड कंसल्टेंट आशीर्वाद प्लाजा ढेकहा रीवा।